चित्रकूट में सोमवार को विधवा महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि दोनों के बीच लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घर वाले उनकी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने ऐसा कदम उठाया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जिले के रानीपुर खाकी ग्राम पंचायत निवासी सुनीता देवी की शादी के 3 साल बाद ही उसके पति साधु मौर्य की बीमारी से मौत हो गई थी। उसकी 7 साल की बेटी भी है। पति की मौत के बाद वो अपने मायके में रहने लगी थी। यहाँ पे रहने वाले कैलाश यादव से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इतना ही नहीं, दोनों के घर वालों को इनके रिश्ते से ऐतराज था, क्योंकि सुनीता के घर वाले कश्यप थे तो वही कैलाश यादव था, इसलिए दोनों के परिवार इनकी शादी नहीं करवा रहे थे। आपको बता दें कि इसी बात से क्षुब्ध होकर दोनों ने सुसाइड कर लिया। जब घर वालों ने दोनों के शव लटके हुए देखे तो पूरे घर में कोहराम मच गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। आपको बता दें कि चौकी प्रभारी सीतापुर प्रवीण सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, अभी सुसाइड करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं घटना का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा, उसी के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।